तो एक बहुत जेनेरिक सा प्रश्न है जो शायद सबको हेल्प कर सकता है, तो वो प्रश्न है कि हमें क्या ऐसा हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या मेंटालिटी होनी चाहिए कि बाद में कभी हमारे लाइफ में कोई ऐसा ट्रॉमेटिकल एक्सपीरियंस हो जैसे किसी लव्ड वन की डेथ, तो उसमें हमें डिप्रेशन से बचाए, मतलब हेल्प करे उससे डील करने में। यार ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली में, और मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा अलग अलग ये एक्सप्लेन करने के लिए लव्ड वंस की डेथ को। और एक्चुअली लव्ड वंस की डेथ जो है एक्चुअली में बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस तो होता ही है, और अगर आप एक्चुअली में देखो ना, लव्ड वन की डेफिनेशन अगर हम बहुत ही एनालिटिकली अगर हम क्रिटिकली इवैल्यूएट करें तो हमारे लव्ड वंस की डेफिनेशन होती है कि हाउ इकोनॉमिकली बेनिफिशियल अ पर्सन इज, चाहे वो हस्बैंड है, वाइफ है, चाहे बच्चे हैं, चाहे माँ बाप है। जब वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं रहते ना तो उतने लव्ड वंस रहते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कोई छोटा सा बच्चा है, उसके फादर सपोज 35 ईयर्स की उसकी एज है और उसकी डेथ हो गई 35 साल की उम्र में, तो बच्चा कितना रोएगा। और यही अगर और 35 साल बीत जाए, जो बच्चा है वो 40-45 साल का हो गया और उसके जो पिता है वो 70-75 साल के हो गए, अब डेथ होगी तो अब इतना दुख नहीं होगा। ये बात सही है कि गलत है? तो इकोनॉमिक वैल्यूज जो हैं वो जनरली, मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, बट मोस्टली इकोनॉमिकल वैल्यूज डिक्टेट करती हैं कि कोई कितना लव्ड वन है कोई। और मैंने देखा है कि अभी मैं पिछले हफ्ते ही एक व्यक्ति से मिला था, तो वो रहने वाले तो बंगाल के हैं लेकिन दिल्ली में कई साल से रह रहे थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप बंगाल छोड़ के यहाँ क्यों आ गए, तो उन्होंने कहा वेल मेरे फादर की डेथ हुई तो मैं उसको टॉलरेट नहीं कर पाया तो मैंने बंगाल ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे उनकी याद दिलाता था तो मैं दिल्ली आ गया। फिर मैं यहाँ पर, मैंने 400 रुपये की नौकरी पहले शुरू की और मैं यहीं पर पढ़ा रहा। फिर अब तो खैर करोड़पति हैं वो, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग डिप्रेशन में, एज यू सेड डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहला एग्जांपल देता हूँ सुकरात का, सोक्रेट। वो जब उसको पॉइजन दे दिया था, उसको विष पिला दिया था, मर रहा था वो, तो उसका एक डिसाइपल उसके पास आया, सुकरात के पास। उन्होंने बोला कि अच्छा आप ये बताओ कि जब आप मर जाओगे तो आपको कहाँ पे दफनाएं हम। तो सुकरात ने कहा अगर तू मुझे ढूंढ सकेगा ना, अगर तू मुझे ढूंढ लेगा जहाँ मर्जी दफना दियो। तो सुकरात का मतलब ये था कि ये जो शरीर है, मैं ये शरीर नहीं हूँ बेसिकली, मैं शरीर से अलग हूँ कोई चीज़। हम जब लव्ड वंस की बात करते हैं तो हम बॉडी के प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं, हम लव्ड वंस की डेफिनेशन सोल के लेवल पे तो बात ही नहीं करते हम कि हाँ यार सोल के लेवल पे ये चीज़ चल रही है भैया। तो ये एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल लव्ड वंस का आपको और देता हूँ। एक साधु थे, संत, वो संत एक बार बोल रहे थे, कहते हैं कि देखो मेरी लाइफ में ना दो ही चीज़ें मुझे प्यारी हैं, एक मेरा घोड़ा है जो बड़ी तेज रफ्तार से दौड़ता है और दूसरा मेरा बेटा है जवान एकदम। तो कह रहे हैं मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगर वो मेरा बेटा ले ले तो ये कृतज्ञता दिखाने के लिए मैं घोड़ा अपने आप से दे दूँगा। तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनको लग रहा था कि जो लव्ड वंस हैं ये जो दो चीज़ें हैं ये मुझे मेरे स्पिरिचुअल पाथ पे मुझे बेसिकली ब्लॉक कर रही हैं, मेरी प्रोग्रेस को रोक रही हैं। तो उसको छोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो लव्ड वंस
तीसरा टेंजेंट अभी लेके आता हूँ, तीसरा एग्जांपल। तो जो लव्ड वंस की जो डेथ से हमें जो डिप्रेशन होता है वो बेसिकली उनसे आसक्ति के कारण हो रहा है। अगर हम उस आसक्ति को घटा देंगे तो वेल नहीं होगा, ये तो एक बड़ा नॉर्मल सा आंसर है। बट तीसरा जो टेंजेंट है, जो तीसरी इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि हमें एक्चुअली में ये पता ही नहीं है कि हमारे लव्ड वंस हैं कौन। सबको पता है कि ये एक भौतिक जगत है, एक आध्यात्मिक जगत है। तो भौतिक जगत में हमारी फैमिली है, तो क्या ये लॉजिकली सोचना गलत होगा कि आध्यात्मिक जगत में भी हमारी एक फैमिली होगी, हमारे लव्ड वंस होंगे? क्या हम उनको मिस कर रहे हैं? हम उनको मिस नहीं कर रहे हैं, हमें उनके लिए कोई फीलिंग नहीं आ रही है हमें। तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस को उठाना पड़ेगा बॉडी के लेवल से, और सोल के लेवल पर आकर हमें सोल के लेवल पर रिलेशनशिप्स को ढूंढ कर री एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। और जब हम सोल के लेवल पर रिलेशन्स को एस्टैब्लिश करेंगे तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह भी रहे हैं कि देखो सोल के ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है। तो अगर हम सोल के लेवल पे एस्टैब्लिश होने की हो जाएंगे तो फिर तो हमें कभी डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्णा भगवद गीता में कह रहे हैं ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा। जो ब्रह्म के लेवल पे, जो सोल के लेवल पे एस्टैब्लिश हो गया, स्थित हो गया, प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षती, वो हमेशा खुश रहेगा, ना उसको शोक होगा ना उसको मोह होगा, है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि वेल हम तो सोल के लेवल पे नहीं है, हम तो अभी तो बॉडी के लेवल पे हैं, और हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास। तो अब मतलब हम अब ज़बरदस्ती तो हम सोल की बात नहीं सोच सकते ना, तो हम अब क्या करें? तो वेल अगर हमें हम अगर बॉडी के लेवल पे भी हम बोलते हैं कि ये हमारे लव्ड वंस हैं, तो फिर क्या आप अपने लव्ड वंस को ऐसी नॉलेज दे रहे हो, क्या आप उनको इक्विप कर रहे हो कि वो बार बार पैदा होके बार बार नहीं मरे? तो हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि अगर आप किसी को अपना लव्ड वन मान रहे हो, अपना प्रिय मान रहे हो, अपना मित्र मान रहे हो, तो आप उनको हेल्प करो तो ही मित्र माने जाओगे, या हेल्प इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। अगर आप फ्रेंड या अपना लव्ड वन मान लिया लेकिन आपने उसकी हेल्प नहीं की, तो फिर मतलब पॉइंट क्या है फ्रेंडशिप का? तो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, और जो स्पेशली जो भारतवर्ष की जो फिलॉसफी है, जो सिद्धांत है, जो दर्शन है, वो ये बता रहा है कि आपके जो लव्ड वंस हैं उनसे बिना अटैच हुए उनको हेल्प करो कि वो स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करें, तो माना जाएगा कि आप अपने आप को उनका लव्ड वंस कर रहे हो। अदरवाइज तो लोग तो कुत्ते बिल्ली से भी प्यार कर रहे हैं, उनके नाम पे जायदाद छोड़ते जा रहे हैं, विच इज़ प्रैक्टिकली मीनिंगलेस। तो लव्ड वंस अगर हम मानते हैं, लव्ड वंस को हेल्प करो, और ये याद रखो कि आपके लव्ड वंस आध्यात्मिक जगत में भी हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, और आप अभी उनको मिस नहीं कर रहे क्योंकि आपको उनके बारे में याद नहीं रहा अभी। तो आप अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ, धीरे धीरे उनके बारे में सोचना शुरू करो, आध्यात्मिक जगत के बारे में सोल के लेवल पे अपने आप को धीरे धीरे उठाओ। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, स्क्रिप्चर्स पढ़ो, भगवान का नाम लो, जिससे कि आपको आध्यात्मिक जीवन के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में आपको समझने में, उसको रियलाइज़ करने में हेल्प मिले आपको। तो अपने आप धीरे धीरे आप देखोगे कि लोग तब भी आपके लव्ड वंस रहेंगे, लेकिन आप इतने ज़्यादा प्रभावित नहीं हो जाओगे आप अगर उनकी डेथ होती है, जो कि हो गई। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उस समय आप ज़्यादा प्रभावित नहीं होके आप ये सोचोगे, आपको हमेशा एक सेटिस्फेक्शन रहेगी कि हाँ, मैं जब मदद कर सकता था तो मैंने मदद किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक कोलीग था, उसने एक बार, उसका मुझे रात को फ़ोन आया, तो उसने कहा यार मेरी मदर की तबीयत बड़ी ख़राब है और डेथ बेड पे है, लेकिन उनके प्राण नहीं निकल रहे, तो क्या करूँ?
तो मैंने कहा तो भगवत गीता पढ़ के सुना उनको। कह रहा यार मुझे तो पढ़ने नहीं आती। मैंने कहा चल मैं आता हूँ, गुड़गांव की बात है ये। तो मैं गया उसके घर पे और मैंने वहाँ बैठ के उसकी मदर को, उसकी मदर के सिरहाने बैठ के मैंने ज़ोर ज़ोर से भगवत गीता के 3-4 चैप्टर मैंने रिसाइट किए। वो थोड़ा लेट हो गया था, मैंने बोला यार अब जाता हूँ, कल सुबह आऊँगा फिर रिसाइट करूँगा। और तो मैं घर पहुँचा हूँ, 1-1.5 घंटा लगा है मुझे घर पहुँचने में। घर पहुँचा उसका फ़ोन आ गया कि मेरी मदर ने शरीर छोड़ दिया। तो वेल उसको लगा कि मतलब कोई एक व्यक्ति है जो स्पिरिचुअली हेल्प कर सकता है। उसने वो हेल्प मांगी और वो हेल्प उसकी मदर को भी, उसकी मदर की भी आप सोचो कि मतलब किस्मत वाली बात है कि मरते समय उसको भगवद गीता सुनने को मिल गई। तो ये लव्ड वंस को ये हेल्प अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो तो माना जाएगा कि आप लव्ड वंस हो, अदरवाइज तो लिप सर्विस वाली बात हो गई फिर तो, कि लव्ड वंस हैं। आप अपने बारे में सोचे जा रहे हो कि उसके जाने से मुझे क्या असर पड़ेगा, आप उसके बारे में तो सोच नहीं रहे कि भाई उसका उसका मैं कुछ भला कर दूं। तो अगर लव्ड वंस है तो अपने बारे में नहीं सोच के उसके बारे में सोचो, तो माना जाएगा कि लव्ड वंस हैं। और जब आप उसका भला करोगे तो उनके जाने के बाद भी आपको ये सेटिस्फेक्शन रहेगी कि वो चला तो गया लेकिन जब था तो मैंने उसकी हेल्प करने की स्पिरिचुअली मैंने कोशिश की थी, तब डिप्रेशन में नहीं आओगे। एक फॉलोअप क्वेश्चन है, आपने बात करी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में अगर हम इन्वॉल्व रहते हैं तो उससे हेल्प मिलती है, तो मतलब सबके लिए ये क्वेश्चन कि किस कहाँ से स्टार्ट करें, किस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से हमें स्टार्ट करना चाहिए? तो वेल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कहाँ से करें। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप स्टार्ट वहाँ से कर सकते हो ऐसे व्यक्ति का संग करके, उससे एसोसिएशन लेके जो कि प्रैक्टिस कर रहा है, इसको साधु संग बोलते हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो आपको लग रहा है उसके डिमीनर से, उसके हाव भाव से, उसके व्यवहार से कि यार ये पीसफुल है, बिकॉज आपको पीस चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास पीस है तो आप उससे तो ले सकते हो, एक जो एजिटेटेड है उससे पीस कैसे ले लोगे आप? तो आप देखो कि कोई डिवोटी है, कोई वैष्णव है, साधु है, पीसफुल है, आप उससे एसोसिएट करो, उससे समझने की कोशिश करो कि भैया आप क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, जो कि मेरे करने से जो आप पीस एंजॉय कर रहे हो मैं भी एंजॉय कर लूँ। तो स्टार्ट होगी साधु संघ से, फिर वो साधु जो है आगे आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो आपको बता देगा।